Pastor Benjamin Masih, New India Church of God, Nagpur, our New India Church of God, original in charge हूँ. मेरा सौभाग्य है कि आप सब के साथ मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, जिसको हम बोलते हैं 75वीं अमृत महासमारोह. आइए हम मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें. प्रभु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं कि प्रभु हम अपने देश के कुशल के लिए, समृद्धि के लिए दुआ करते हैं. जैसा कि आपने कहा, हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस देश के वासी हैं और हमें अपने देश के ऊपर गर्व है. और प्रभु इस अवसर पर, जो कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह हो. प्रभु जी, हमने स्वतंत्रता को पाया है, लेकिन और कई बातें हैं जिसमें हमको आज भी स्वतंत्रता मिलना जरूरी है. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे देश को भ्रष्टाचार से आजाद करें, रोगों से आजाद करें, जातिवाद से, नफरत से आजाद करें. प्रभु जी, गरीबी से आजाद करें, झूठे झूठे बातों से, झूठ से हमारे देश को आजाद करें, शैतानी ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से, भूतों से हमारे देश को आजाद करें, अंधविश्वास से और झूठे देवी देवताओं से हमारे देश को आजाद करें. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, जैसा कि आपके वचन में लिखा है और जैसा आप हैं, आप महान परमेश्वर हैं, राजा हैं, सृष्टि कर्ता हैं, पूरे संसार को आप सस्टेन करते हैं. आपका अनुग्रह आशीष सबके ऊपर है. प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं. आप ही हैं जो सच्ची आजादी हमारे देश को दे सकते हैं. आपके वचन में लिखा है, जब पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सचमुच में आजाद हो जाओगे. जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा. मार्ग, सत्य और जीवन आप है. प्रभु जी, आप सर्वे सर्वा है. प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि इस देश के ऊपर आपका ऐसा अनुग्रह हो कि क्रूस के सामर्थ, लहू की सामर्थ, आपके पवित्र नाम की सामर्थ है इस देश के ऊपर प्रकट हो. प्रभु जी, ताकि ये देश एक बहुत ही आदर्श देश हो, ये देश में प्रॉस्पेरिटी हो, ये देश में कुशलता हो, इस देश का कल्याण हो. आप जो शांति के राजकुमार हैं, जब आपका पांव इस देश के ऊपर आएगा तो इस देश में शांति आ जाएगी. हम दुआ करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं. प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर अनुग्रह कर, आसमान को फाड़ कर, स्वर्ग को फाड़ कर, इस धरती पर उतर आ प्रभु जी, ताकि इस धरती पर चैन, अमन, अमन और खुशहाली हो. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे लीडर्स के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्र पिता के लिए. प्रभु जी, आप उन्हें और उनके साथ में जो लीडर्स हैं और उनके साथ में जो स्टाफ है, उनके ऊपर आपका विशेष
अनुग्रह हो प्रभु जी, उनको विजडम देना, उनकी उनकी अगुवाई करना, वे आपका भय माने और प्रभु जी उनको एक ऐसा दर्शन मिले कि आपकी मर्सी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही इस देश में भी पूरी हो प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस देश में 29 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, प्रभु जी हर एक स्टेट के ऊपर आपका अनुग्रह हो, शांति हो, अमन हो, चैन हो, बेरोजगारी दूर हो, करप्शन दूर हो, क्राइम दूर हो प्रभु जी। प्रभु आपसे प्रार्थना है हर एक स्टेट अपने योग्यता के अनुसार बहुत फलवंत हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हमारे सारे सीएम्स, हमारे सारे गवर्नर्स और उनके साथ में जो लीडर्स हैं और उनके साथ में जो स्टाफ हैं, उनको आप आशीष देना प्रभु जी कि हर एक स्टेट में आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी, आपका भय माना जाए, लोग आपके दर्शन को पाए प्रभु जी, हर एक घुटना झुकने पाए, हर एक शब्द, हर एक भाषा, हर एक बोल, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करने पाए प्रभु जी। आपने क्रूस पर बलिदान होकर अपना लहू बहाया ताकि इस देश का उद्धार हो, संसार का उद्धार हो, यह आपका गहरा प्यार था प्रभु जी। इस बात को लोग समझने पाए कि वे केवल प्रभु आपके दास हैं, आपके ठहराए हुए हैं, आप अगर उनको हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, आपका भय इन लोगों के ऊपर आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे विरोध में जैसा कि हमारा देश हमेशा शांति रखने वाला देश है, कोई भी विरोध में न आए ताकि ये एक व्यवहार हमारे देश का हमेशा बना रहे कि ये एक शांतिमय देश है, एक आदर्श देश है प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु सारे जगह जहां पर क्राइसिस है, आर्थिक क्राइसिस है, बेरोजगारी है और कुदरत की कहर है, हम दुआ करते हैं प्रभु जी आपका ऐसा अनुग्रह हो कि ये 15 अगस्त को हम देख सकें कि एक टेंजिबल वे में कि प्रभु आपका आपकी आशीष है और आपका प्रेम प्रकट होने पाए और आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए और ये देश और बड़ी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने पाए, एक बहुत ही फ्रूटफुल एक आदर्श देश बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब हमारा चर्च यूनाइटेड है तो मिरेकल्स होते हैं, जितने भी विश्वासी हैं, मसीही लोग हैं, जितने भी चर्चेस हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक बड़ी एकता, प्यार, एक समझ, विजडम हर एक के ऊपर आने पाए प्रभु जी, क्योंकि जैसा चर्च है वैसा देश होता है, देश की हालत वैसी ही होती है जैसे चर्च की हालत है। इसलिए प्रभु आपने कहा मैं अपने चर्च को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर जयवंत नहीं होंगे, हर एक बात जो अधोलोक की तरफ से प्रभु जी हमारे चर्च में से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि हमारे चर्च है इस देश के लिए बड़ा प्रकाश हो प्रभु जी, इस देश के लिए एक शांति का, एक अमन का, प्रॉस्पेरिटी का विषय हो प्रभु जी। सारे कलीसियाओं को, चर्चेस को आप बरकत देना प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हम जानते हैं कि बड़ा अनुग्रह इस देश पर आने वाला है, हर एक प्राणी आपके सुसमाचार को सुनेगा और हर एक प्राणी अपने आप की आत्मा से भर जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े सामर्थ्य के लिए, आपकी महिमा के लिए जो इस देश पर उतर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।